हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। वैसे तो सबको लगता है कि ये तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है पाप और पुण्य। नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ पता होता है। किसे कहते हैं पाप, किसे कहते हैं पुण्य, और किसे कहते हैं पाप और पुण्य से अलग, न पाप है न पुण्य है, ये जानना जरूरी है। जैसे साधारणतया अच्छे व्यक्ति को कहा जाता है कि ये व्यक्ति धार्मिक है और ये पुण्य करता है, ठीक है। तो जब हम धार्मिक होते हैं तो हम सिर्फ पुण्य नहीं करते हैं, और कई बार ऐसे व्यक्ति भी पुण्य करते हैं जिन्हें उतना भगवान पे विश्वास नहीं है। जैसे पुण्य कार्य कहलाता है ऐसा कार्य जिसमें कि हम लोगों की या किसी भी जीव का भला करते हैं। जैसे कुआं खुदवाना, जलाशय खुदवाना, हॉस्पिटल बनाना, या किसी भी व्यक्ति को कुछ खाने को देना, कुछ वस्त्र देना, उसके कुछ धन देना उसके घर के खर्चे के लिए, किसी लड़की का विवाह करा देना उसके लिए धन देना, सोना बांटना, चांदी बांटना, ज़मीन देना किसी को मुफ्त में, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दान भी है और पुण्य भी है। पहले के ज़माने में कुछ राजा हुआ करते थे जो एक समय पे, निश्चित समय पे खड़े होते थे बाहर, और जो भी व्यक्ति आया और उसने जो भी मांगा उसे वो देते थे। बड़े बड़े दानी राजा होते थे, उनके पास बहुत धन भी होता था। तो पुण्य कार्य वो कहलाता है जिसमें कि आप किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले आपको कुछ चाहिए। तो आप सोचेंगे, नहीं ये तो कुछ हमें तो चाहिए नहीं। चाहिए जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी को कुछ देते हैं तो वो अलग, उसका कैटेगरी अलग है, उसको हम निष्काम कर्म भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने किसी की मदद की पर हमको उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इसलिए मदद की कि वो भगवान की संतान है, जब भगवान का ख्याल आ जाता है तो हम मदद करते हैं। और जब हम मदद करके और उसके बदले में रिटर्न में हम कुछ नहीं उम्मीद करते हैं तो उस कर्म का फल नहीं बनेगा, लेकिन जब हम उम्मीद करेंगे तो उस कर्म का फल बनेगा। ये दोनों में फर्क है। लेकिन हम किसको मदद कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है जानना। यदि हम ऐसे व्यक्ति को मदद कर रहे हैं जो गलत व्यक्ति है, चोर, डकैत, स्मगलर, खूनी, ऐसे व्यक्ति को मदद कर रहे हैं और उसके बदले में हम चाह रहे हैं कि मेरा कुछ भला हो, तो भला नहीं होगा, क्योंकि वो जो कर्म करेगा हमारे धन से उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा। हमें लग रहा है हम मदद कर रहे हैं पर उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए हम जिसको मदद कर रहे हैं वो व्यक्ति उस मेरे मदद का, मेरे धन का, मेरे किसी भी चीज़ का क्या उपयोग करने वाला है, ये जानना अति आवश्यक है। तो इसीलिए जो थर्ड कैटेगरी मैंने बताया आपको कि जिसमें कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो ऐसा होता है कि हम भगवान के बारे में सोच करके कुछ करते हैं। जैसे ये व्यक्ति सफ़र कर रहा है, ये व्यक्ति मुसीबत में है और ये व्यक्ति भगवान की संतान है, हमारे पास कुछ है धन या कपड़ा लत्ता या खाने का कुछ, तो हम उसको दे देते हैं, पर हमको इसके बदले कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि ये भगवान का है तो हम इसको हम सिर्फ एक तरफा देंगे, ये भावना होती है ना। तो इसको हम भक्ति की शुरुआत कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। तो निष्काम कर्म या कर्म योग कहते हैं जिस समय की कर्म तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान का सोच करके कर रहे हैं, सिर्फ चेतना का फर्क है। और जो इससे भी ऊपर उठ जाता है वो तो फिर भक्ति कहलाता है। जो सबसे नीचे होता है वो पाप कहलाता है, जो निषिद्ध कर्म है। शास्त्रों में बताया गया कि हमें ये नहीं करना चाहिए, किसी का धन हड़प कर लेना, किसी की जमीन हड़प कर लेना, किसी को मार डालना शस्त्र या अस्त्र के द्वारा,
किसी स्त्री के साथ अत्याचार करना या किसी को इंसल्ट किसी का करना, ये सब निषिद्ध कर्म है जिसको हमें बताया गया है कि नहीं करना चाहिए। तो निषिद्ध कर्म जब हम करते हैं तो उसको पाप कहते हैं, ये पाप कर्म हुए। पाप कर्म का परिणाम निकलता है या तो हम नीचे के योनि में जन्म लेंगे, या तो हमें वो व्यक्ति जिसके साथ हमने ऐसा बुरा बर्ताव किया वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ही करेगा, इसके लिए हमें फिर से वैसा शरीर मिलेगा। और ये अगर हम बहुत बार किए हैं, 100, 200, 1000, 10000 बार, तो उतने बार हमें अलग अलग प्रकार के शरीर मिलेंगे जिसमें कि हमें भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम। तो पाप कर्म का परिणाम होता है, बुरे कर्म का परिणाम होता है और पुण्य कर्म का भी परिणाम होता है। जैसे कि हमने बहुत दान दिया, बहुत सारे मनुष्यों को, बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे पक्षी को, सबको, पक्षी को लोग दाना खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो ये पुण्य कर्म है। इसके बाद यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सब भी पुण्य कर्म है यदि हम भगवान के खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, यदि हम कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, विष्णु के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके बदले कुछ भी उम्मीद किए बिना, तो उस कर्म का फल हमको नहीं मिलेगा, वो कर्म हो जाएगा हमारा निष्काम कर्म, कर्म योग में वो जुड़ जाएगा, कर्म योग की तरह का कर्म हो जाएगा। लेकिन यदि हम यज्ञ कर रहे हैं और जो वर्णन किया गया है वेदों में कि उस यज्ञ का परिणाम होगा, आपको सोमरस का पान करने मिलेगा, आपको अप्सराएं मिलेगी स्वर्ग में, और वो सोचकर हम कर्म कर रहे हैं, तो वो पुण्य कर्म कहलाएगा, फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो निष्काम कर्म भी नहीं कहलाएगा, वो अकर्म भी नहीं कहलाएगा, वो पुण्य कर्म कहलाएगा। तो बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, और ये दोनों से परे क्या है, ये हमको बहुत जरूरी है समझना। तो पुण्य कर्म का परिणाम मिलता है, पाप कर्म का भी परिणाम मिलता है, और दोनों के लिए हमें शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, कोई भी शरीर, नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, जानवर का शरीर मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। अब यदि हम पाप और पुण्य से परे करते हैं, अब जैसे आपने किसी को देखा माला करते हुए, तो आप सोचेंगे बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, ये तो माला करता है, लेकिन नहीं, वो माला करना पुण्य कार्य नहीं है, वो पाप और पुण्य से परे है। यदि हम भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए माला कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा जप कर रहे हैं, परंतु किस लिए जप कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं और हम चाहते हैं कि भगवान की सेवा करें, और हम भगवान से विनती कर रहे हैं कि आप हमें सेवा दीजिए, हमें अपने सेवा में जोड़िए। ये पुण्य कर्म नहीं है, ये भगवान की भक्ति है, और इस भगवान की भक्ति को करने का कोई ऐसा परिणाम नहीं मिलता है जो आपको भोगना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपका पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शरणम होगा, ऐसा नहीं है, फिर से माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। तो पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप और पुण्य से परे भक्ति या निष्काम कर्म, ये सब अलग अलग कैटेगरी है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपका इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी देने की, और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप अवश्य इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत आवश्यक है। हरि बोल।